तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेरीवेयर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज हम एक सीरीज की बात करने जा रहे हैं, ऐसी सीरीज जिसका ट्रेलर देखते ही मैं उसको पागल हो गया था उसको देखने के लिए कि कब वो आएगी और कब मैं उसको देखकर ख़त्म करूँगा और क्या वो मेरा इंतजार वर्थ इट रहा या नहीं, ये सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो बने रहे एंड तक। अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब हो स्टार्ट करना। आपने एडम फैमिली का नाम तो जरूर जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो कोई नहीं, अब सुन जाओगे, अब सारे उसको जानने लग जाएंगे। एक ऐसी फैमिली जो कि डार्क ह्यूमर से, डार्क लोगों से भरी हुई है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है उनकी ज़िंदगी में, और सारे कुछ साइको हैं, कुछ अलग हैं, मतलब पूरी फैमिली बिल्कुल पागलों से भरी हुई है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फैमिली है, मज़ा आएगा उस पूरी फैमिली के बारे में थोड़ा थोड़ा जान के। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। एक बंदी है वेडनेसडे एडम, एक होनहार लड़की एडम्स फैमिली की, वो काफ़ी सारे हरकतें करती है, काफ़ी सारे मर्डर वगैरह कर चुकी है, एक बिल्कुल हाफ डेड पर्सन की तरह वो लगती है, चलती है। और एक्टिंग जेना ऑर्टेगा, ओह क्या ही दो कास्ट, मतलब परफेक्ट कास्ट है ये। इन्होंने जो वेडनेसडे एडम की एक्टिंग करी है भाई, बिल्कुल आप पागल हो जाओगे। इस एक बंदी के लिए आप पूरी आठों के आठों एपिसोड ख़त्म करोगे बहुत जल्दी। इतने तगड़े फेशियल एक्सप्रेशंस, साथ में जो इनके डायलॉग डिलीवरीज, मतलब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है उनसे लगती है। और इनका डांस मतलब लाजवाब। तो वो लड़की अब अपने जैसे एनवायरनमेंट में पहुंच चुकी है जहाँ उन्हीं के जैसे जादुई, थोड़े से अलग दुनियादारी से वो बंदे वहाँ उसको मिल चुके हैं। उन्हें फ्रेंड बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कैसे यहाँ फ्रेंड्स बनाएंगी और क्या कुछ उनके ज़िंदगी के साथ चलेगा जब वो उस स्कूल में जाएंगी जहाँ उनके लगने वाले। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है आठ एपिसोड, इतने ज़्यादा सस्पेंस, इतने सारे ट्विस्ट से भरे हुए हैं, और मतलब एंड के ट्विस्ट तक पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बात करते हैं और पॉजिटिव्स की। एक्टिंग हर कास्ट की बहुत तगड़ी है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और साथ में इतने ज़्यादा कॉमेडी सीन्स भी हैं, इमोशनल सीन्स भी हैं, ट्विस्ट टर्न सस्पेंस हर चीज़ मिलेगी आपको इस सीरीज़ में। एक मैजिकल फैंटेसी प्लस काफ़ी सारे मतलब जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं, जो सेट्स हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना रखी है। VFX भी बहुत ज़्यादा तगड़े और बहुत ही मतलब एक कंप्लीट मास्टरपीस जैसी फीलिंग आती है। कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि जब वेडनेसडे एडम होती है वहाँ पे जेना ऑर्टेगा होती है तो बाकी सारे करेक्टर थोड़े से ज़्यादा फीके लगते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा लाजवाब लगती है। साथ ही में आठ एपिसोड बहुत कम लगेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी जाएंगे यार, इतने तगड़ी एक्टिंग, इतने तगड़े सस्पेंस वगैरह से भरे हुए, मतलब आप सीधा ख़त्म ही करोगे फिर इस सीरीज़ को। अब आपको भी देखनी चाहिए सीरीज अगर आपको एक मैजिकल प्लस सस्पेंस और प्लस कुछ अलग देखना है, तड़कता तड़कता देखना है और एक बहुत तगड़े हिंदी के साथ देखना है, तो ये सीरीज़ वेडनेसडे एडम आप ही के लिए। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी और ये मेरी टॉप 10 लिस्ट में बन आ चुकी है, और जल्दी इसका सेकेंड थर्ड और जितने भी सीजन आए जल्दी से जल्दी आए। तो बस ये था आज का रिव्यू भाई, जरूर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, जरूर करना सब्सक्राइब, शेयर करना इस वीडियो को, और वीडियोज आपके लाता रहूँगा, काफ़ी सारे कंटेंट अभी बाकी है लाने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।